अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू महताब गार्डन। आज की इस वीडियो में दोस्तों गुलाब के बारे में बात करूंगा। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों छोटे से दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में दे पाऊँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही कि अभी मानसून चल रहा है, बारिशों का मौसम, तो हमें गुलाब के केयर किस तरह करना है दोस्तों, इसके देखभाल कि इस तरह बड़े बड़े से फ्लावर्स आपको देखने को मिले अपने गुलाब के पौधे में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताऊं इस प्लांट के बारे में कि क्लियर आपको कर दूँ कि ये सनलाइट का प्लांट है। गुलाब जो है दोस्तों, मैं कितने सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं साए वाली जगह फेंक दिया तो गुलाब ख़त्म हो गया। गुलाब जो है दोस्तों शेडी प्लेस या साए वाले जगह का प्लांट नहीं है, इसको कम से कम सुबह के टाइम के 3 से 4 घंटे सनलाइट लाजमी चाहिए अच्छे फ्लावरिंग के लिए दोस्तों। और अभी जैसे बारिशों का मौसम है दोस्तों, तो बारिश अगर इसमें लग गया दोस्तों गुलाब के प्लांट में, दोस्तों गुलाब के प्लांट में एक्स्ट्रा पानी आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर नहीं बनाना है दोस्तों। बस एक बार आप देखें कि इसमें बारिश जैसा चल गया, अभी बारिशों का मौसम, पानी आपको मिल गया गुलाब के प्लांट को अच्छी तरह, मिट्टी खुश्क था, पूरा गीला हो गया नीचे तक गमने का, बस अब इसको किसी ऐसे जगह पर रख दें जहाँ पे पानी नहीं पड़ेगा, जहाँ पे बारिश दोस्तों नहीं होगा, वो कमरे में या किसी भी साइड में रख दें गुलाब को। एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलना चाहिए दोस्तों, वरना हमारा प्लांट आहिस्ते आहिस्ते, ज़्यादा पानी मिलने से दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारे गुलाब के रूट्स में फंगस का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों रेनी सीज़न में, मानसून में, ये दोस्तों सबसे अहम गुलाब का केयर था जो मैं आपको बताया कि ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए दोस्तों, और सनलाइट तो लाजमी है। सनलाइट नहीं निकल गया तो आप बिल्कुल खुले जगह में, रोशनी वाली जगह पर रखें इसको। गमले के साइज दोस्तों हमेशा 10 से 12 इंच लें आप, प्लांट छोटा है तो 8 से 10 इंच में भी आप लगा सकते हैं। मिट्टी की बात करें दोस्तों तो वेल ड्रेन बिल्कुल तैयार करें, 30% कंपोस्ट मिलाएं, 20% सेंड मिलाएं और 50% आप मिट्टी मिलाएं, गार्डन सॉइल जो आप यूज़ करते हैं, और खाद फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं 30% लाजमी है दोस्तों। दोस्तों सूखे हुए फलावर को लाजमी कट, 2-3 नोड एरिया 2-3 पत्ते नीचे से कट करके हटाएं, और दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद हर महीने लाजमी फर्टिलाइज़ किया करें अपने प्लांट को। आप सूखे हुए जितनी पत्तियाँ और ब्रांचेस दोस्तों सूख जाते हैं उसको लाजमी कट करके हटा दिया करें। और दोस्तों कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा गुलाब के प्लांट पर अटैक करते हैं दोस्तों, तो नीम ऑयल का स्प्रे लाजमी किया करें 10 से 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट पे अच्छी तरह, या फिर हल्दी पाउडर दोस्तों 1 चम्मच 1 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे किया करें, तो इससे हल्दी पाउडर से भी बहुत दोस्तों इंसेक्टिसाइड कंट्रोल होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इससे अच्छे से वीडियो के साथ, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।